तो सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा में तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी में राहुल की न्याय यात्रा के पांचवें दिन उम्मीद थी कि घमासान थमेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गतिरोध बरकरार है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद की दीवार बढ़ चुकी है। इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद लोकसभा चुनावों के लिए सीट फॉर्मूला तय नहीं हो सका। कई बैठकों, खूब माथा पर्ची और मंथन के बावजूद सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच पेच फंसा है। इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवार उतार रही है। मैडम, सपा कांग्रेस की टूट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई सेटिंग नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोगों को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। समाजवादी पार्टी अभी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी किनारा किए हुए है, जो इस समय उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। राहुल की न्याय यात्रा से अखिलेश यादव की दूरी का कारण सीटों का बंटवारा माना जा रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को रायबरेली से होकर गुजरी, लेकिन अमेठी के बाद रायबरेली में भी अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी कहती है अखिलेश यादव रायबरेली में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तभी शामिल होंगे जब कांग्रेस सीटों के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। सपा के तीखे तेवर के बाद भी कांग्रेस अभी भी साथ मिलकर लड़ने की बात कह रही है, संभल कर बोल रही है। यहाँ वहाँ सीटों, हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है, पर देना भी पड़ता है। तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है। अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फार्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उसका उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। ब्रदर, इट इज इन फाइनल स्टेज, एनी टाइम इट कैन बी फाइनलाइज्ड। नो, आई एम नॉट, डिस्कशन इज गोइंग ऑन, डिस्कशन इज गोइंग ऑन, इट विल बी फाइनलाइज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, एक तरफ बीजेपी खड़ी है तो उससे मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन के दल हैं। इसी इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साझेदार हैं। हालांकि चुनावों से पहले सपा और कांग्रेस आपस में उलझे हुए हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर ये फंसे हुए हैं, तो वहीं नेताओं की भगदड़ से परेशान भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कांग्रेस को कौन कौन से सीटें देने का ऑफर अखिलेश यादव ने किया। दरअसल अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारती है, रायबरेली सीट, ये दो सीटें जहां पर कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नहीं उतारती है। अब अमरोहा सीट दी जा रही है, बागपत सीट दी जा रही है, सहारनपुर सीट दी जा रही है, गौतम बुद्ध नगर सीट दी जा रही है, बहुत मुश्किल है। गाजियाबाद सीट दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये बहुत मुश्किल है। बुलंदशहर सीट दी जा रही है, यहां पर भी लड़ाई कांटे की हो सकती है, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है। फतेहपुर सीकरी, हाथरस, ये वो सीट है जिसे ऑफर किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के लिए। और इन सब के बीच